ये ट्रेन एक बड़े पुल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई है और ये शख्स अपनी जान को जोखिम में डालता हुआ पुल पर आगे बढ़ रहा है। आखिर इसे ऐसा करने की क्या जरूरत? दरअसल जैसे ये ट्रेन ब्रिज पर पहुंची, किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी, ट्रेन पुल पर ही खड़ी हो गई। अब ट्रेन को फिर से चलाने के लिए जरूरी है कि ये गार्ड रेल कोच के आखिर में लगे नॉब को खींचकर सही करे। ये शख्स ही ट्रेन का गार्ड है जो अपनी ड्यूटी के लिए जान को खतरे में डालते हुए इस नॉब को सही करता है। जरा सोचिए ये काम कितना जोखिम भरा है। इस गार्ड के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है। जरा सी चूक मौत को दावत दे सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोग ट्रेन गार्ड की बहादुरी की तो दाद दे रहे हैं, लेकिन रेलवे के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन हालात में गार्ड्स को सुरक्षा बेल्ट क्यों नहीं दी जाती। साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग अपील कर रहे हैं कि यात्रा के दौरान कभी भी बेवजह चेन पुलिंग ना करें। आपके ऐसा करने के बाद रेल कर्मचारियों को इस तरह अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। गनीमत रही कि ये दिन का वक्त था, अगर रात को ऐसा होता तो सोचिए कितना खतरनाक होता। ये बंदर इस मासूम बच्चे को घेर कर बैठ गया है और उसे किसी हाल में छोड़ने को राजी नहीं है। बच्चा डर के मारे रो रहा है, आसपास लोग जमा हैं, लेकिन बंदर को हटाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। इसके बाद एक महिला वहां मूंगफली फेंककर बंदर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर बंदर तो जैसे बच्चे को न छोड़ने की जिद पाले बैठा था। वो लगातार लोगों को डराता भी रहता है। किसी को समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या, बच्चे को कैसे छुड़ाएं। तभी ये बंदर एक बार फिर इस महिला की साड़ी को मुंह से पकड़ता है और बच्चे पर से उसका ध्यान हट जाता है। इधर मौके की ताक में बैठा एक शख्स धीरे से बच्चे को उठा ले जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर हो रहा है। बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करने वालों के साथ अक्सर हादसे होते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये खास जुगाड़ तैयार किया है इस शख्स ने। देखिए इसकी मदद से बिजली के खंभे पर चढ़ना कितना आसान है।